गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू फिजियोलॉजी क्लास ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन आर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट द एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेशन एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पार्ट. बिकॉज इन आर प्रीवियस क्लास गैसेज एक्सचेंज तक हम लोग पढ़ चुके थे. तो मैंने आपको बोला था उस समय कि फिजियोलॉजी हालांकि स्टार्ट हो चुकी है, पर मेन फिजियोलॉजी में आता है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के इवेंट्स जो है हम अपने आज की इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे. तो देखिए, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इसके अंदर एयर जो है वो लंग्स के अंदर और बाहर आती जाती रहती है, इसे हम पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं. रेस्पिरेशन के इवेंट्स में पहला इवेंट आता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तीसरा रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट और चौथा इंटरनल रेस्पिरेशन. ये चार मेन इवेंट्स होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान. पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब होता है लंग से एयर का अंदर आना और बाहर जाना. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में पल्मोनरी ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में गैसेज एक्सचेंज हो रही होती है. रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन और CO2 ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि इंटरनल रेस्पिरेशन में ब्लड और टिश्यू के बीच में सिस्टमिक कैपिलरीज के द्वारा जो है ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसेज एक्सचेंज होती है. तो ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में गैसेज एक्सचेंज को अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, और ब्लड और सिस्टमिक कैपिलरीज में टिश्यू सेल्स के बीच में जो है वो गैसेज एक्सचेंज को अपन इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से पहले लंग्स में गैसेज आती हैं और वहाँ से जाती हैं. एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन के बीच में रेस्पिरेटरी गैस ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड के द्वारा. तो ये चार मेन इवेंट्स हैं रेस्पिरेशन के. अब फिजियोलॉजी में दूसरी चीज़ आती है कि ब्रीदिंग, जिसको अपन सांस लेना कहते हैं, वो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे चलता है या मैकेनिक्स क्या है ब्रीदिंग की. ब्रीदिंग यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन, कैसे O2 CO2 आती जाती रहती हैं. तो जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो पूरी तरह से एक मैकेनिकल प्रोसेस है, कम्प्लीटली मैकेनिकल प्रोसेस है, जो कि डिपेंड करता है कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है. ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है और डिपेंड करती है थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा है. ये वॉल्यूम चेंज होता है जिससे कि प्रेशर चेंज होगा, और प्रेशर चेंज होने से गैसेस जो हैं वो फ्लो होती हैं उस प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए. भाई एक साइड प्रेशर ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ कम हो गया, तो उस एक साइड से गैसेस दूसरी साइड चली जाएंगी ताकि वो प्रेशर इक्वल हो जाए, और अगर दूसरी साइड ज़्यादा हो गया तो वो दूसरी साइड से पहली साइड आ जाएंगी प्रेशर को इक्वलाइज करने के, यानी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ऐसा प्रोसेस चलता है. अब इस ये जो ब्रीदिंग है उसमें दो फेजेस चलती हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन. सांस को अंदर लेना, सांस को बाहर लेना. तो इंस्पायरेशन फ्लो जो है एयर का फ्लो लंग में होता है, यानी बाहर से एयर आई और लंग के अंदर आई तो इंस्पायरेशन, और लंग से जब एयर बाहर जाती है द प्रोसेस नोन एज एक्सपायरेशन. अब इंस्पायरेशन में डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स का रोल होता है कि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगी. डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ता है, और एक्सटर्नल एयर जो है वो लंग्स के अंदर आती है क्योंकि इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया है, इसलिए एक्सटर्नल एयर जो है वो लंग्स के अंदर आएंगी. डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, थोरेसिक कैविटी का साइज बढ़ जाता है, और एक्सटर्नल एयर लंग्स में आती है इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम का वॉल्यूम के बढ़ जाने की वजह से. अब इसका फ्लो चार्ट बताया गया, भाई देखिए जरा ध्यान से पढ़ लीजिए. इंस्पायरेशन का पूरा मैकेनिज्म बड़ा अच्छे से समझाया गया. सबसे पहले इंस्पायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यानी डायफ्राम डिसेंड होएगा नीचे तरफ, रिब केज जो होती है वो राइज होती है. डायफ्राम डिसेंड होता है और रिब केज जो है वो राइज होती है. डायग्राम दूसरे वाले में दिखाया गया, डायफ्राम मूव्स इन्फीरियरली ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन दौरान डायफ्राम इन्फीरियर साइड में मूव कर रहा है, और रिब्स आर एलिवेटेड एंड स्टर्नम फ्लेयर्स
एज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है जिससे कि रिब्स जो होती है उठती हैं। तो ये इस तरह से प्रोसेस चल रहा है। तो ये इंस्पायरेशन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई जिससे कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ जाने से लंग्स स्ट्रेच हो जाते हैं और इंट्रा पल्मरी वॉल्यूम बढ़ जाता है। लंग्स स्ट्रेच होकर इंट्रा पल्मरी वॉल्यूम बढ़ गया और इंट्रा पल्मरी प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, लगभग -1 mmHg रह जाता है। इस दौरान एयर यानी जो गैसेस हैं वो फ्लो होती हैं लंग्स में नीचे की तरफ, फ्लो डाउन्स लंग्स, ये गैसेस नीचे आई लंग्स में, जिससे कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो कम हो जाता है तब तक जब तक कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जीरो ना हो जाए, तब तक ये प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो डाउन होता है। मतलब ये एयर जो अंदर आ रही है, गैसेज जो ऐसे एक्सचेंज हो रही हैं जो अंदर की तरफ आ रही है, वो प्रेशर ग्रेडियंट को डाउन करती हैं। पहले कितना था प्रेशर ग्रेडियंट भाई, -1 था, अब कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो इंस्पायरेटरी मसल्स यानी डायफ्राम वगैरह कॉन्ट्रैक्ट हुए, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा, लंग्स स्ट्रेच हुए, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ा, जिससे वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और फिर गैसेस अंदर आती हैं तो प्रेशर ग्रेडियंट को डाउन करती हैं तब तक जब तक कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जीरो ना हो जाए। तो दूसरे डायग्राम में एंटीरियर पोस्टीरियर और सुपीरियर इन्फीरियर डायमेंशंस जो हैं वो आपके लंग से चेंज होते हुए दिखाए गए हैं, और तीसरे डायग्राम में लेटरल डायमेंशन चेंज होता हुआ दिया दिखाया गया सुपीरियर व्यू के थ्रू। तो देखिए एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो कैसे प्रेशर जो है वो लग रहा है, तीसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो ये इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म है। ये जो नीचे यहाँ पे जो फ्लो चार्ट बताया गया ना, ये फ्लो चार्ट भी आपको एग्ज़ाम में बनाना है। आपके क्वेश्चन आता है भाई गैसेस एक्सचेंज पे, तो इंस्पायरेशन का ये फ्लो चार्ट बनाएंगे, ये दोनों डायग्राम आप बनाएंगे अच्छे से। ऐसा नहीं है कि मैंने ये डायग्राम छोटा सा साइड में बनाया हुआ है तो अपन इसको इग्नोर कर दें, हमारे काम का नहीं है। नहीं, काम का है, मैं ऐसे ही नहीं इसको इतना डिटेल में पढ़ा रही हूँ। ये क्वेश्चन आएगा और आपको इतना बड़ा ये लिखना है। तो ये इस डायग्राम में यहाँ बता दिया मैंने इंस्पायरेशन पूरा समझा दिया, वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। या आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, एग्ज़ाम में लिखेंगे। अब एक्सहेलेशन के अंदर लार्जली ये एक पैसिव प्रोसेस है। सांस को हमारे को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही होती गैसेस को एक्सहेल करने के लिए, वो अपने आप एक्सहेल हो जाएगी। मतलब कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट इसके अंदर नहीं है। ये नेचुरल लंग की इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करती है और अपने आप गैसेस जो है वो बाहर एक्सहेल हो जाती है। जैसे ही मसल्स रिलैक्स होंगी, लंग से एयर जो है वो बाहर की तरफ पुश्ड आउट हो जाती है। एक्सपायरेशन का फोर्स जो है वो शुरू होता है जब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं रिब केज को डिप्रेस करने के लिए। जैसे ही इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, रिब केज डिप्रेस होएगा और फोर्स ऑफ एक्सपायरेशन लगेगा और गैसेस जो है वो बाहर निकल जाएंगी। ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस है यानी एक्सपायरेशन का प्रोसेस है। इसमें इंस्पायरेटरी मसल्स रिलैक्स हुई यानी डायफ्राम राइज हुआ, रिब केज डिसेंड हुआ ताकि वापस से कॉस्टल कार्टिलेज को रिकॉइल किया जा सके। या रिकॉइल होने की वजह से हम कहें कि रिब केज जो है वो डिसेंड हो गई, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अब कम हो गया है, इलास्टिक लंग्स रिकॉइल हो जाते हैं, पैसिवली वापस रिकॉइल हो गए, वापस अपने शेप साइज में आ गए और इंट्रा पल्मरी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, जिससे कि इंट्रा पल्मरी प्रेशर बढ़ गया। कितना बढ़ गया, +1 mmHg हो गया। इंस्पायरेशन ये -1 mmHg हो गया था। एयर इस समय जो गैसेस एयर हैं वो बाहर की तरफ चली जाती हैं, फ्लोज आउट ऑफ द लंग्स डाउन इट्स प्रेशर ग्रेडियंट अंटिल इंट्रा पल्मरी प्रेशर इज ज़ीरो। ये तब तक ऐसा चलता है जब तक कि इंट्रा पल्मरी प्रेशर ज़ीरो ना हो जाए। तो यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर और सुपीरियर इन्फीरियर डायमेंशंस में जो चेंजेस हो रहे हैं, जस्ट उसके अपोजिट उसमें एरो ऊपर की तरफ दिखाए गए थे, इसमें एरो नीचे की तरफ दिखाए गए हैं। रिम्स और रिब्स और स्टर्नम डिप्रेस हो गई है क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स हो गई हैं और डायफ्राम सुपरली मूव कर जाता है जैसे ये रिलैक्स हो जाएंगी। और ये लेटरल डायमेंशंस में चेंज दिखाए गए, एरो सारे के सारे अंदर की तरफ दिखाए गए हैं। अब
वो तो था रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट्स के इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन चल रहा था। अब नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट्स देखिए, ये वॉल्यूंट्री एक्शंस की वजह से या रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से चलता है। वॉल्यूंट्री एक्शंस या रिफ्लेक्सेस की वजह से नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट चलता है, जैसे कि खांसना, छींकना। ये क्यों चलता है? लंग के अंदर किसी तरह कोई कचरा आ जाता है तो उसको दूर करने के लिए खांसी और छींक आ रही होती है, या हंसने के दौरान, रोने के दौरान, उबासी लेने के दौरान, या हिचकियों के दौरान। नॉन रेस्पिरेटरी एयर मूवमेंट, क्योंकि इसमें हम कोई रेस्पिरेशन नहीं कर रहे पर फिर भी एयर का मूवमेंट चल रहा है। कफ, स्नीज, लफिंग, क्राइंग, यॉन और हाइकअप, हिचकी, उबासी, रोना, हंसना और खांसी और छींक के दौरान ऐसा मैकेनिज्म चलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़। नॉर्मली हमारी ब्रीदिंग के अंदर हम 500 ml तक की एयर जो है वो हर एक ब्रीद के अंदर लेते हैं, या एयर अपन कहें कि मूव करती है 500 ml तक की, इसमें टाइडल वॉल्यूम होता ही है इसका, 500 ml टाइडल वॉल्यूम। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पर रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पर अपना असर दिखाते हैं, जैसे उस पर्सन का साइज़ कितना। भाई एक छोटा बच्चा है ऑब्वियस है वो कम एयर ले पाएगा, एक बड़ा एडल्ट पर्सन है तो ज़्यादा एयर होगी, प्लस उसका सेक्स मेल और फीमेल ऑब्वियस है, मेल में थोड़ा सा ज़्यादा होता है टाइडल वॉल्यूम, एज के अकॉर्डिंग, फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिजिकल कंडीशन मतलब वो हेल्दी पर्सन है या कोई डिजीज्ड पर्सन है, भाई COPD हुआ है, अस्थमा हुआ हुआ है, सर्दी जुखाम हो रखा है, वायरल हो रखा है, तो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। दूसरा, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है एयर का एक्सहेलेशन के बाद लगभग 1200 ml एयर जो है हमारे लंग्स में बच जाती है। तो ये इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो, मिलीमीटर्स में दिखाई गई है रेजिडुअल वॉल्यूम, ऊपर एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम 2000 ml तक बताया गया है, फिर टाइडल वॉल्यूम बताया गया है, ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बताई गई है लगभग 2500 तक, और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी 0 to 2500, और 2500 से अबाउ 6000 तक इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। इधर रेजिडुअल वॉल्यूम देखिए, और टोटल लंग की कैपेसिटी देखिए। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को आप देख सकते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? एयर जो एक्सपायरेशन के बाद लंग में बच जाती है, फुल्ली जब आप एक्सपायर कर चुके हो तो पूरी फोर्स के साथ जब आप एयर को बाहर एक्सहेल कर चुके होते हो लंग से, उसके बावजूद जो एयर आपके लंग्स में बच जाती है आप उसको रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और लगभग ये कितना होता है? 1200 ml तक रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, या आपकी रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। अब वाइटल कैपेसिटी क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल एयर, कितनी टोटल एयर जो है एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने बोला ना कि कुछ बच भी जाती है तो एक्सचेंज होने बाद जो बच जाएगी, तो टोटल वॉल्यूम एक्सचेंज हो रहा है एयर का वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को अपन कैसे निकालते हैं? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंटरनल रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सटर्नल रेजिडुअल वॉल्यूम, या एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम आप उसको कह सकते हो। तो IRV प्लस ERV प्लस TV से वाइटल कैपेसिटी बनती है। डेड स्पेस वॉल्यूम क्या है? एयर दैट रिमेन्स इन कंडक्टिंग जोन एंड नेवर रीचेज एल्वियोलाई, कुछ एयर आपकी कंडक्टिंग जोन तक रह जाती है, आपकी एल्वियोलाई तक पहुंचती ही नहीं है, तो उसको आप डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हो। लगभग 150 ml तक ऐसी एयर होती है जो डेड स्पेस वॉल्यूम में रहती है। अब फंक्शनल वॉल्यूम कितना है? एयर जो एक्चुअली आपके रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंच पाती है लगभग 350 ml, 350 ml आपके रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंच पाती है। रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ जो है वो अपन स्पायरोमीटर से मेज़र करते हैं। भाई ये चीज़ें अपन को कैसे पता चल रही? स्पायरोमीटर से मेज़र करने पर हमारे को ये चीज़ें, ये वैल्यूज़ हमारी आई हैं। ये पूरा डायग्राम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ का नीचे से देखना स्टार्ट करिए। 0 to 1000 तक रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml तक होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml तक, टाइडल वॉल्यूम 500 ml तक, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 ml तक बताया गया है। ये इंस्पायरेटरी 6000 से लेकर के जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वहाँ तक वाइटल कैपेसिटी होती है लगभग 4800 ml, और टोटल लंग की कैपेसिटी 6000 ml तक होती है। अब रेस्पिरेटरी के साउंड्स, साउंड्स को भी हम मॉनिटर करते हैं स्टेथोस्कोप से। आपने देखा था बचपन से आप देखते आ रहे हैं, अब तो चलो आप इसी फील्ड के अंदर, अदरवाइज बचपन से हम देख रहे हैं कि जब हमें
बीमारी होती है, सर्दी जुकाम बुखार कुछ होता है, और घर वाले जब हमें डॉक्टर पास लेकर के जाते हैं तो वो स्टेथोस्कोप हमारे चेस्ट रीजन में रख करके कुछ अपने कानों से सुन रहे होते हैं, जिसको अपन कहते हैं साउंड्स, रेस्पिरेटरी साउंड्स और हार्ट साउंड्स वो सुनते हैं। तो हार्ट तो हम पढ़ चुके, कार्डिक हमने पढ़ लिया, हम रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं, तो स्टेथोस्कोप से हम रेस्पिरेटरी साउंड भी सुनते हैं, ब्रोंकियल साउंड और वैस्क्यूलर ब्रीदिंग साउंड, ये दो साउंड जो हैं अपन रेस्पिरेटरी साउंड्स में पढ़ते हैं। ब्रोंकियल साउंड जो है वो जब ब्रोंकाई और ट्रेकिया के थ्रू एयर रश करती है तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको ब्रोंकियल साउंड कहते हैं, जबकि वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड एक सॉफ्ट साउंड है जो एयर फिलिंग एल्वियोलाई से आता है। एयर फिलिंग एल्वियोलाई से आने वाले एक सॉफ्ट साउंड को अपन वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड कहते हैं। ये लंग साउंड आपको डायग्राम में बताया गया है, क्रैकल्स रोंकाई और वीजिंग सीटी वाला साउंड। क्रैकल्स हाई पिच्ड का होता है, ये इंस्पायरेशन के दौरान सुनाई देता है, ये क्लियर नहीं होता क्योंकि इसमें कफ हो रहा होता है तो कफ की वजह से क्लियर नहीं होता, डिसकंटिन्यू टाइप का होता है, इसलिए अपन इसको क्रैकल कह रहे हैं, रुक रुक करके आवाज़ आ रही है। वीजिंग एक म्यूजिकल नॉइस है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों के दौरान सुनाई दे सकती है सीटी की आवाज़। यूजुअली ये लाउडर होती है अगर आप एक्सपायरेशन करो, इंस्पायरेशन थोड़ी सी कम होती है क्योंकि एक्सपायरेशन दौरान ये कंटिन्यू होती है इसलिए लाउड सुनाई देती है। और रोंकाई ये रंबलिंग कोर्स साउंड है, जैसे स्नोर की साउंड होती है, ये कफिंग के साथ में क्लियर होती है या सक्शनिंग के साथ में क्लियर होती है क्योंकि उस वक्त ये कंटिन्यू होती है, तो इसको रोंकाई कहते हैं अपन। अब रेस्पिरेशन के अंदर ही अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन आ रही है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है मूव होती है ब्लड में। एल्वियोलाई ऑलवेज हमेशा हैज़ मोर ऑक्सीजन देन द ब्लड। एल्वियोलाई हमेशा ब्लड के कंपेरिजन ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन मूव होती है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा अपने हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में ऑक्सीजन जो है वो मूव होती है, और पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड जो है वो इस ऑक्सीजन को फिर लेता है। ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है, ये एल्वियोलाई दिखाया गया है, ये बड़ा करके गोल फूला हुआ, इसके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है एल्वियोलाई की। ये ऑक्सीजन और CO2 का प्रेशर बताया गया है, इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर 100 जबकि CO2 का 40 है, तो ऑक्सीजन ट्रैवल कर गई बाहर से अंदर की तरफ, मतलब एल्वियोलस से ब्लड कैपिलरी की तरफ। ये पल्मोनरी कैपिलरी बताई गई है यहाँ पर, देखो अब ऑक्सीजन का इस साइड जो है वो 100 हो गया और CO2 का 40 हो चुका है। ऊपर जब इसके अंदर आ रहा था ब्लड तब ऑक्सीजन के प्रेशर जो था 40 था और CO2 का 45 था, तो इस तरह से एक गैसेस एक्सचेंज चल रहा होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर मूव करती है, ऑक्सीजन तो ब्लड के अंदर आई थी और CO2 ब्लड से बाहर निकलती है। ब्लड रिटर्न होता है टिश्यू से तब उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन की CO2 पाई जाती है एल्वियोलाई के कंपैरिजन में, और पल्मोनरी कैपिलरी ब्लड जो है वो CO2 को देता है, गिव्स अप CO2। ब्लड जो कि ब्लड लिविंग द लंग्स इज ऑक्सीजन रिच, अब जो ब्लड लंग से वापस आ रहा है उसके अंदर खूब सारी ऑक्सीजन भरी हुई रहती है और उसके अंदर CO2 नहीं होती क्योंकि उसने CO2 तो दे दी थी एल्वियोलाई को और खुद ने एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को ले लिया था। ये डायग्राम पल्मोनरी वेंटिलेशन लंग्स के साथ हो रहा है, गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है जिसमें O2 आ रही है लंग से, O2 फिर जा रही है कहाँ पर, टिश्यूज तक, और टिश्यू से CO2 आ रही है फिर वापस ट्रांसपोर्ट होकर लंग्स, और लंग्स से पल्मोनरी वेंटिलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर छोड़ जाती है, यानी गैस का डिफ्यूजन हो रहा है। अब ब्लड में गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये हीमोग्लोबिन से अटैच्ड होकर के क्या बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है HbO2। स्मॉल अमाउंट में इज कैट डिजॉल्व इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिजॉल्व थोड़ी बहुत ये प्लाज्मा में डिजॉल्व हुई हुई ये ट्रैवल करती है, वैसे तो हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, थोड़ी बहुत ये प्लाज्मा में डिजॉल्व रहती है। डायग्राम देख सकते हैं, इराइथ्रोसाइट बताई गई है, माइक्रोवेस्क्यूलर इसके अंदर ये एल्वियोलर वॉल के पास में ये है, एल्वियोलर में एल्वियोलर वॉल से ये हीमोग्लोबिन साथ में दिखाया गया, ये मॉलिक्यूल्स आए ऑक्सीजन के CO2 के और ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए O2 आई, लोडिंग O2 है, आकर के हीमोग्लोबिन HB से जुड़ी तो HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना,
रेड ब्लड सेल के अंदर ये HCO3 बाइकार्बोनेट आयन का एक्सचेंज दिखाया गया। अब CO2 का कैसे ट्रैवल हो रहा है, तो ये बाइकार्बोनेट आयन है SCO3 प्लस एच प्लस, जो कि कार्बोनिक एसिड बनाएंगे H2CO3, और फिर ये टूटेंगे CO2 और वाटर में। डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, HCO3 प्लस एच प्लस, SCO3 माइनस और एच प्लस, ये तो है बाइकार्बोनेट आयन। ये जुड़ करके बनाएगा कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। H2CO3 टूटेगा तो CO2 और वाटर में टूटेगा, और CO2 जो है वो अनलोडिंग CO2 कहाँ पर चली गई है, एल्वियोलाई यानी एयर सैक के अंदर चली गई है, और ये वाटर तो ब्लड में आपके प्लाज्मा है ही, उसके अंदर मिल जाता है। अब CO2 जो है वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है, मोस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लाज्मा में चलता है बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। स्मॉल अमाउंट में ये RBC के अंदर कैरी होता है हीमोग्लोबिन पर डिफरेंट बाइंडिंग साइट पर, ऑक्सीजन के अलावा डिफरेंट बाइंडिंग साइट पर ये बाइंड हो रहा है। ये वापस डायग्राम देख लीजिए, टिश्यू सेल्स में सेल मेटाबॉलिज्म हुआ, CO2 प्रोड्यूस हुई, ये पेरीफ्राई अपने बाकी जो पूरी बॉडी के टिश्यूज़ हैं उनके बारे में बताया गया है कि वहाँ से सेल मेटाबॉलिज्म से CO2, कौन सा सेल मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह जो प्रोसेस होता है उसमें CO2 बनती है, ग्लाइकोलाइसिस बनती है, क्रैब साइकिल में बनती है। आपने अपने क्रैब साइकिल वाला पार्ट, ग्लाइकोलाइसिस वाला पार्ट बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, वहाँ पे CO2 बनी, CO2 आपके सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर आई, ये कैपिलरी एंडोथीलियम दिखाई गई है, कैपिलरी एंडोथीलियम से CO2 आई, वाटर के साथ में जुड़ी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के द्वारा इसने कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड से वापस बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं और फिर किस साथ जुड़ते हैं, HB के साथ में। फिर ये HB वाला वापस गया कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज से CO2 और वाटर पल्मोनरी कैपिलरी, और वहाँ से एल्वियोलाई में CO2 को छोड़ दिया जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बताया गया, पहले वाले डायग्राम में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बताया गया था। अब इंटरनल रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन हो गया, अब इंटरनल रेस्पायरेशन में गैसेस एक्सचेंज होती है ब्लड और बॉडी सेल के बीच में। ये एक अपोजिट रिएक्शन है जो लंग में हो रही थी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती है टिश्यू से ब्लड में, और ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो रही है ब्लड से टिश्यू में, CO2 टिश्यू से ब्लड में और ऑक्सीजन ब्लड से टिश्यू में। ये इंटरनल रेस्पायरेशन दिखाया गया है, वही डायग्राम जो अभी पहले मैंने आपको डिटेल में बताया था यहाँ पे वही बताया गया है। बार बार बोलने में मैं अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ, आप खुद से पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। बस ये समरी बताई गई है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, गैस ट्रांसपोर्ट और इंटरनल रेस्पायरेशन की, तो एक साथ पूरे डायग्राम को बताया गया है। इंस्पायर्ड एयर करी एल्वियोलर स्पेसेस के अंदर आ रही है O2, एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स में गई, यहाँ से ब्लड कैपिलरीज के अंदर चली गई है, एल्वियोलर कैपिलरी है ये लंग की, ब्लड एंट्री एल्वियोलर कैपिलरी, वहाँ से देखो जैसे ये इसके अंदर गई तो यहाँ से आप देखिए, अब राइट साइड वाला डायग्राम है, सीधा देखिए आइए, और हार्ट में गई, हार्ट से ये ट्रैवल करती हुई ब्लड एंटरिंग टिश्यू कैपिलरीज में एंटर हो जाती है, फिर टिश्यू सेल्स में चली जाती है, टिश्यू सेल से वापस आती है, यानी ये इंटरनल रेस्पायरेशन है। ऊपर जो चल रहा था वो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन था जिसमें एल्वियोलर सेल्स स्पेसेस से कहाँ गई थी, ब्लड कैपिलरी में गई थी, अब ये इंटरनल रेस्पायरेशन ब्लड कैपिलरी से टिश्यू में गई, टिश्यू से वापस जो है वो बाहर निकलेंगी टिश्यू कैपिलरी से CO2 वाली गैसेस, जो कि वेन से होती हुई हार्ट में, हार्ट से होती हुई वापस लंग्स में CO2 चली जाती है, और लंग्स से वो बाहर छोड़ जाती है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन के थ्रू, तो CO2 को एक्सपायर्ड आउट कर दिया जाता है। अब न्यूरल रेगुलेशन क्या है रेस्पायरेशन का, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया भाई, ऐसा करते हैं अपन यहाँ तक छोड़ देते हैं, इतना बहुत है आज की क्लास के लिए, अपन अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर रिमेनिंग टॉपिक पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, रिमेनिंग अपन अपने नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। आपको कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा रेस्पायरेशन का मैकेनिज्म, जो सिंपल ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको कैसे हमारी बॉडी रेगुलेट करती है, और रेगुलेशन के बाद में क्या क्या डिजीज़ हमारे अंदर हो सकती हैं, या कौन कौन सी डिजीज़ रेस्पायरेशन में होती है जिससे कि गैसेस एक्सचेंज सही नहीं चल पाता है, या हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, तो वो सब हम अपने नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक आप एक काम करिए कि अपने पुराने पेपर्स उठा करके देख लीजिए,
कोई टॉपिक अगर मैंने आपको नहीं करवाया है तो आप मुझे अपने सीआर को व्हाट्सअप कर दीजिए, सीआर से मेरे पास आपका क्वेश्चन पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स, और आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं वो 5th अगस्त तक लिख करके, सब बच्चों को उन क्वेश्चंस के आंसर लिख करके, आपके पुराने पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर लिख करके 5th अगस्त तक मेरे पास, या 5th अगस्त तक तो आप नहीं दे पाएंगे, सॉरी 5th अगस्त नहीं बोलती हूँ मैं, 15th अगस्त तक कह देती हूँ, 15th अगस्त का टाइम है आपके पास, 15th अगस्त तक आप अपने जो क्वेश्चंस हैं ENT के भी, आई के भी, आपके कार्डियक सिस्टम के भी और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी जो क्वेश्चंस हैं वो 15th अगस्त तक आप सॉल्व करके अपने पुराने पेपर से देखिए, अपने ओन हैंडराइटिंग के अंदर वो क्वेश्चन सर लिखिए, और मुझ तक आपका ये असाइनमेंट है वो पहुंच जाना चाहिए 15th अगस्त तक। उन क्वेश्चंस में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है जो मैंने आपको नहीं करवाया है, करवाना बाकी है, तो आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं, और अगर मैंने करवा दिया है तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर लिखिए और मुझ तक भेजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू क्लास।